हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल पीएस डिजाइन फॉरएवर। होप आप सब ठीक होंगे। एंड इसी के साथ हम चलते हैं आज की क्लास में। टुडेज आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू पेंसिल स्कर्ट की कटिंग। एंड पेंसिल स्कर्ट के साथ हमने जो पिछले क्लास में सीखा था, मैं आपको दिखा सकती हूँ, जो हमने पिछले क्लास में क्रॉप टॉप की कटिंग हमने सीखा था, तो मैं उसी के स्कर्ट की कटिंग आपको सिखाऊंगी। हम जानेंगे पेंसिल स्कर्ट की कटिंग कैसे होती है, और जब आप पेंसिल स्कर्ट की कटिंग जान जाएंगे तो उसमें फ्रिल ऐड करने का टेक्निक भी आपको आसानी से पता चल जाएगा। गाइस, पेंसिल स्कर्ट के साथ हम कुछ 3 टेक्निक सीखेंगे जिसमें हम फ्रिल्स को कैसे कैसे ऐड कर सकते हैं और हमारा स्कर्ट देखने में और भी ब्यूटीफुल लगेगा। तो चलिए सीखते हैं स्टार्ट। गाइस, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने कलीग्स फ्रेंड्स में जितना ज़्यादा हो सके हमारे चैनल को शेयर कीजिए ताकि वो भी आपके साथ हमारे साथ कुछ लर्न कर सकें। जब भी हमें पैटर्न बनाना होता है तो पैटर्न बनाने से पहले हमें इलस्ट्रेशन बनाना होता है। तो मैं ये इलस्ट्रेशन बनाई हूँ पेंसिल स्कर्ट की। इसमें बैक साइड में कट आप कर सकते हो, एज योर भी साइड में भी कट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड इसमें 2 डॉट्स रहेंगे फ्रंट में एंड बैक में, बोथ साइड। अगर फ्रंट आपका 4 इंच का डॉट होता है, बैक में 1 इंच उसमें बड़ा होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, बेल्ट की कटिंग। मैं आज की क्लास में आपको बेल्ट की कटिंग भी बताऊंगी। तो बेल्ट की कटिंग के लिए आपका जो फुल लेंथ होता है स्कर्ट का, उसमें से आपको 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना होता है। तो हम 2 इंच का लेंथ लेंगे, ये मैंने फ्री हैंड बनाया है, तो 2 इंच का लेंथ ले लेंगे बेल्ट के लिए। एंड बेल्ट की जो विड्थ होगी वो हमारे वेस्ट के हिसाब से होगी, कितना हमारा कमर है। तो हमारा जो फार्मूला है स्कर्ट का, सबसे पहले आप नोट डाउन कर लो। तो स्कर्ट की लेंथ है 23 इंच एंड राउंड वेस्ट 28 इंच, हिप लेवल 7 इंच हम एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं तो 8 इंच हो जाता है, एंड राउंड हिप 36 इंच। जो राउंड हिप होता है वो 36 इंच है। बॉटम हम अपने स्कर्ट के हिसाब से लेंगे, आपको जितना बॉटम चाहिए होगा आप उतना बॉटम ले लेंगे, ठीक है। तो बेल्ट बेसिकली हमने ये 2 इंच लेंथ ले लिया है, और राउंड वेस्ट हमारा 28 इंच है, तो उसके अकॉर्डिंग हम 1/2 कर लेंगे, बिकॉज ये 2-fold होता है बेल्ट के लिए, तो 1/2 कर लेंगे। तो 1/2 के अकॉर्डिंग, तो 1/2 के अकॉर्डिंग हो जाएगा 14 इंच। 14 इंच में हम प्लस 1 कर लेंगे, 1/2 28 प्लस 1 तो इक्वल टू 15 इंच आ जाएगा। तो ये हमारा बेल्ट की जो विड्थ होगी ये 15 इंच हो जाएगी, और इसी बेस पे हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। हमारा ऑन फोल्ड ये भी रहेगा और ऑन फोल्ड ये भी रहेगा, ठीक है। देखो गाइस, मैं ये जो बनाती हूँ इसका मतलब कि ये ऑन फोल्ड है, ठीक। तो ऊपर का भी ये पार्ट ऑन फोल्ड रहेगा, फोल्ड में रहेगा, एंड ये साइड का भी पार्ट फोल्ड में रहेगा। अब हम चलते हैं स्कर्ट की तरफ। तो गाइस, स्कर्ट की लेंथ देखो, मैंने फ्री हैंड बनाया है, तो स्कर्ट की लेंथ आप ले लोगे सबसे पहले 23 इंच। मैं अभी ब्राउन पेपर पे आपको प्रॉपर कटिंग करके दिखाऊंगी। तो लेंथ 23 इंच है, तो हम इसमें से बेल्ट ले रहे हैं तो 2 इंच इसमें से माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 21 इंच। कितना? 21 इंच इसकी लेंथ हो जाएगी। एंड वेस्ट ऑन फोल्ड है चूंकि, तो हम इसको 1/4 ऑफ राउंड वेस्ट करेंगे और प्लस 1 करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आ रहा है 8 इंच। तो हमने इसको 8 इंच ले लिया है बिकॉज हमें डॉट्स भी डालने हैं, तो हम इसमें बढ़ा लेंगे 1.5 इंच जब फैब्रिक को कट करेंगे तब। एंड लेंथ चूंकि हिप लेवल हमारा 7 इंच है, तो हम इसको ले लेंगे 7 + 1 हम कर लेंगे, इसको हम 8 इंच पे ले लेंगे हिप लेवल के अकॉर्डिंग। एंड देन राउंड हिप 36 है, तो राउंड हिप के लिए भी 1/4 ऑफ राउंड हिप एंड प्लस 1 या 1.5 इंच आप लोगे, तो हम यहाँ पे 1 इंच लेंगे, तो 1 इंच के अकॉर्डिंग आ रहा है 10 इंच। एंड देन हम बॉटम को
ले लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम 1 1.5 इंच हम अंदर की तरफ आएंगे एंड इसको स्मूथली शेप दे देंगे या डायगनली शेप दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये हल्का सा कर्व में और अंदर की तरफ पेंसिल का लुक, जितना ही लेंथ आप बढ़ाते जाओगे उतना ही उसका पेंसिल लुक और भी खूबसूरत बढ़ते जाएगा बनते जाएगा। एंड ये जो राउंड वेस्ट है वहां से हम राउंड हिप जो स्पेस हो जा रहा है तो हम इसको क्या करेंगे स्मूथली बाहर की तरफ, ठीक है, स्मूथली इसको कर्व दे देंगे। तो इससे जो राउंड वेस्ट एंड हिप का जो पोर्शन है जो स्पेस है वो क्या होगा काफी खूबसूरत राउंड में कर्व में लुक आएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ब्राउन पेपर पे इसको ड्राफ्ट एंड कटिंग करने के लिए। गाइस वीडियो पूरा देखिएगा एंड लास्ट में हम इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कर्ट की कटिंग देखेंगे कि इसमें 3 ऐसी कौन सी लुक है जो हमारे पेंसिल स्कर्ट को डिफरेंट बनाता है। गाइस आज मैं ब्राउन पेपर की कटिंग नहीं बता रही हूँ बिकॉज आज मेरा मन कर रहा है कि हम लोग कुछ प्रिंटेड फैब्रिक प्रिंटेड पेपर पे ट्राई करके देखें बिकॉज कभी कभी थोड़ा सा क्रिएटिविटी करनी चाहिए, कभी कभी कुछ अलग चीज़ें करनी चाहिए तो इंटरेस्ट भी लगता है, अच्छा भी लगने लगता है। तो चलिए आज हम फ्लोरल प्रिंट को भी देखो और रोज़ का बहुत ही ब्यूटीफुल सा पेपर है, अच्छा लग रहा है, चलते हैं और इस पे आज स्कर्ट की कटिंग देखते हैं। ये हमने पेपर को फोल्ड कर लिया है एंड सबसे पहले हम इसमें सम पॉइंट्स ले लेंगे बिकॉज कटिंग के लिए। वैसे तो यहाँ पे तो स्पेस अच्छा है लेकिन अगर आपकी फैब्रिक अच्छी ना हो, टेढ़ी मेढ़ी हो तो फिर उसके लिए हमें ये पॉइंट्स थोड़ा सा लेना होता है। एंड हम सबसे पहले लेंथ ले लेंगे। तो चूंकि बेल्ट की कटिंग मैं नहीं बता रही हूँ तो बेल्ट की कटिंग में हमने 2 इंच ले लिया है तो हमारा सेफ हो जा रहा है 21 इंच। तो हम इसको ले लेंगे 28 इंच इसकी लेंथ ले लेंगे। इसमें 1 इंच हम बढ़ा लेंगे बिकॉज फोल्ड करके इसको स्टिचिंग भी करनी होती है तो इसलिए हम 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ये 22 इंच प्रॉपर है। एंड एक चीज़ ध्यान देना, मैं यहाँ पे ड्रॉ क्यों हूँ बिकॉज आपको ये चीज़ें दिखानी है तो आप यहाँ पे ड्रॉ नहीं करोगे, अगर ड्रॉ करते भी हो तो लेकिन आप जो ये राउंड वेस्ट है या हिप है जो भी आप ये पोर्शन लोगे तो आप इसको प्रॉपर इस कॉर्नर से ही लोगे। तो ये हमारा हो जा रहा है 8 इंच। अब हम हिप लेवल की लेंथ पॉइंट ले लेंगे बस, चूंकि ये 8 इंच है तो हम इसको 8 इंच पे पॉइंट ले लेंगे एंड यहाँ से हम 10 इंच राउंड हिप के लिए ले लेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे यहाँ से डायगनली अटैच कर देंगे ताकि हम इसको स्मूथली कर्व दे सकें। तो हम यहीं से इसको ऐसे उठा करके और स्मूथली कर देंगे। देखो लुक आ रहा है उस टाइप का। एंड ये आपका 10 इंच है तो हम इसको ले लेंगे 8.5 इंच एंड इसको हम डायगनली अटैच कर लेंगे। बॉटम आप अपने हिसाब से ले सकते हो, उसमें कोई शक नहीं है। अगर स्ट्रेचेबल फैब्रिक है तो उसके अकॉर्डिंग तो आपको बॉटम लेना ही होगा। इसको हम हल्का सा डायगनली करेंगे ताकि लुक हमारा खूबसूरत है। तो एक मैं शॉर्टकट तरीका टेक्निक आपको बता रही हूँ कि इसको डायगनली करने के लिए कि ये बीचों बीच का पार्ट ले करके और ऐसे हम फोल्ड कर लेते हैं और वहां से हम इसको डायगनली करेंगे। तो ये हमने यहाँ से 0.5 ऊपर ले करके और फिर इसको डायगनली दे दिया है, ज्वाइन कर लिया है एंड ये हमारा कंप्लीट हो गया पेंसिल स्कर्ट। अब हम इसमें डॉट्स कैसे लेंगे तो फ्रंट के लिए जो ये वेस्ट लाइन है इसका मिड पॉइंट ले लेंगे एंड बोथ साइड में आप मिड पॉइंट ले लोगे। बीचों बीच का पार्ट 8 इंच है तो 8 इंच का मिड पॉइंट होगा 4 एंड 4 से दो तरीके से डॉट लगता है, मैं ये सिंगल टेक्निक आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे फ्रंट में हमने 4 इंच लिया है एंड बैक में हम 5 इंच ले लेंगे। तो ये हमारा डॉट्स इज रेडी।
25 बोथ साइड लेंगे और इनको आपस में ज्वाइन कर लेंगे। देख सकते हो। चलो फिर अब कटिंग करते हैं। आप देख सकते हैं ये फ्रंट पार्ट है हमारे स्कर्ट का और ये मैंने इस पे डॉट्स लगा दिया है, तो ये कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है। तो ओपन करके देख सकते हो। सेम बैक पार्ट में भी हम वैसे ही लेंगे मिड पॉइंट लेकर के, एंड इसमें भी हम इसके डॉट्स की जो लेंथ है वो हम ले लेंगे 5 इंच एंड बोथ साइड 0.5 इंच और इसको आपस में डायगनली अटैच कर लेंगे। दिस इज पैटर्न ऑफ पेंसिल स्कर्ट। अब मैं बताने वाली हूँ गाइस, इसमें आपको स्ट्रेट स्कर्ट भी सेम वैसे ही होता है, बट स्ट्रेट स्कर्ट में फर्क कितना होता है कि ये जो हिप का पॉइंट है ये प्रॉपर स्ट्रेट रहता है, एंड दिस इज अ स्ट्रेट स्कर्ट। ठीक है, उसके अलावा मैं इसके साथ आप चाहो तो कट भी लगा सकते हो। कट लगाने के साथ इसको आप चाहो तो राउंड शेप में, असेमेट्रिकल स्कर्ट के लुक में या राउंड शेप में भी आप इसको कट कर सकते हो। ये भी बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनता है स्ट्रेट स्कर्ट में। एंड मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि पेंसिल स्कर्ट में किस तरीके से आप फ्रील को ऐड करोगे। एक तो हमारा जो पैटर्न था बेसिकली स्कर्ट विथ क्रॉप टॉप का, तो उसके साथ हमें स्कर्ट में फ्रील ऐड करना था। तो हमने ये तो पेंसिल स्कर्ट हमने बना लिया, फ्रील को ऐड करने के लिए ये जो हमने यहाँ से डायगनली जो शेप लिया है ऊपर की तरफ कट लिया है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऊपर की तरफ लेंगे और इसको नीचे की तरफ डाउन कर देंगे। इस तरीके से हम शेप ले लेंगे एंड इसको कट करके जो सर्कुलर पैटर्न हम कट कर रहे हैं, अगर आपने सर्कुलर पैटर्न का वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दे रही हूँ, कमेंट में भी शेयर कर दूंगी, तो आप उसको जाकर के देख लीजिएगा। उसके हिसाब से हम हाफ सर्कुलर में कट करेंगे फैब्रिक को एंड देन इसमें हम उसको अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा सेम इस टाइप का स्कर्ट तैयार हो जाएगा। एंड होप गाइस आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, क्वेश्चंस कीजिए मेरे से, मेरे इंस्टा आईडी पे जाइए, उस पर आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं ऑल टाइम उस पर अपडेटेड रहती हूँ। एंड ऑल वीडियोस को देखिए, जिस तरीके से वीडियो समझ में आ रहा है अपना पैटर्न बनाइए, पैटर्न बना करके स्टोर कीजिए एंड मेरे साथ उसके स्मॉल वीडियोस शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसके बेस्ट पार्ट, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स को पढ़ती हूँ एंड मुझे उससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। तो होप गाइस यू लाइक इट एंड फॉलो मी फॉर एवरी सेशन, एवरी क्लासेस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्लाउज की कटिंग शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि सम स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है कि मैम बेसिक ब्लाउज की कटिंग बताइए। तो मैंने उसका एक क्रॉप टॉप की कटिंग तो आपको बता दिया है, बट मैं ब्लाउज की ड्राफ्टिंग भी बताने वाली हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में होप कि हम नेक्स्ट क्लास में उसकी ड्राफ्टिंग सीख लें। उसके अलावा भी 2-3 और टॉपिक है, तो मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाय।